नहीं सर, अगर मैं मुंह खोल दूं कि मेरे साथ क्या हुआ है 30 सालों में, तो शायद ऐसा ना हो कि कुछ सुप्रीम कोर्ट तक ही केस पहुंचे। तीसरी चीज लगा रखी है, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरी उम्र इतनी है। अरे वो सीनियर सिटीजन है तो जिनके खिलाफ आपने दावा ठोका है वो भी तो 61 ईयर्स की है, वो भी तो सीनियर सिटीजन है। मेरा बेटा मेरी रक्षा करता है, जिस जो माँ यहाँ पर 32-33 साल से यहाँ है भरतपुर में और सब कुछ किया है, बिगड़ा हुआ घर संभाला है, और आज मेरे ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। पूरा मसला ही शुरू हुआ था जब मोती महल बिक रहा था, मसला ही तब शुरू हुआ था, तो कोई मसला ही नहीं था। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। पूर्व राज परिवारों में संपत्ति का विवाद कोई नई बात नहीं है, चाहे बात उदयपुर की करें, बीकानेर की करें, जयपुर की करें या भरतपुर की। हर जगह संपत्ति के विवाद लगभग ज़्यादातर पूर्व राज परिवारों में होता आया है। कई विवाद न्यायालय की चौखट तक पहुँचे हैं तो कई वर्तमान में परिवार के बीच में बने हुए हैं, और इसी के तहत एक बड़ा मामला सामने आया है जिसमें खास तौर से पूर्व राज परिवार भरतपुर के सदस्य विश्वेंद्र सिंह, उन्होंने अपनी पत्नी जो कि पूर्व सांसद हैं दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध के खिलाफ उन्होंने उपखंड अधिकारी भरतपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी और बेटा उनके साथ मारपीट करता है, उन्हें खाना तक नहीं देते हैं, और इसी के चलते उन्हें उनका घर मोती महल छोड़ना पड़ा और अब वह अपने घर बाहर किसी सरकारी आवास में या होटल में रहने को मजबूर हैं। उन्होंने इस को लेकर खास तौर से आरोप लगाया और साथ ही उपखंड अधिकारी से ये मांग की है कि उन्हें भरण पोषण हर्जाना उनकी पत्नी और बेटे से दिलाया जाए। 5 लाख रुपए प्रतिमाह उन्होंने भरण पोषण का खर्चा मांगा है। इस घटना को लेकर आज दूसरे दिन, जैसे ही एक दिन पहले ये प्रार्थना पत्र सामने आता है, उपखंड अधिकारी कार्यालय में इन्होंने विश्वेंद्र सिंह जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और उनकी द्वारा जो प्रार्थना पत्र मार्च 2024 में उन्होंने उपखंड अधिकारी को ये प्रार्थना पत्र दिया था और वहाँ पर ये विचाराधीन है मामला, और इसी बीच में ये मामला सामने आया मीडिया में जैसे ही प्रकाशित हुआ। उसके बाद दिव्या सिंह जो पूर्व सांसद हैं, उनकी पत्नी है और उनके बेटे अनिरुद्ध ने इन सभी आरोपों को झूठा बताया है और निराधार बताया है। उन्होंने बताया कि पिता जो हैं विश्वेंद्र सिंह जी, वो अपने जो पैतृक संपत्ति को बेचने पर अड़े हुए हैं, खास तौर से जो मोती महल हैं जहां वो रह रहे हैं उसको भी बेचने को लेकर पिता अड़े हुए हैं, और जिसके विरुद्ध में उनका बेटा और उनकी माँ हैं। उनका कहना है कि वे अपनी जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी हैं उसे वे नहीं बेचने देंगे। अनिरुद्ध का ये आरोप है कि दिल्ली के साथ कई जगहों पर उनकी जो प्रॉपर्टी थी पुष्कर और अन्य जगहों पर, वो सारी प्रॉपर्टी इन्होंने खुर्द-बुर्द कर दी, बेच दी थी, और उनके साथ वो अपनी माँ के साथ अलग रह रहे हैं और पिता के साथ इस तरह के जो कोई बर्ताव नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि पहले तो वे कैबिनेट मंत्री थे और उसके बाद अब भी वो अपने आवास में रह रहे हैं, जिनसे कई लोग प्रतिदिन मिल रहे हैं उनके, आप सोशल मीडिया पर उनके अकाउंट पर चेक कर सकते हैं कि वे प्रतिदिन कितने लोगों से मिल रहे हैं, कितने लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने के लिए ये सारा सब कुछ मीडिया के समक्ष उन्होंने रखा है, और इसी वजह से ये बदनामी करने की एक साजिश मात्र है। इस बदनामी के डर से वो किसी न किसी तरीके से मोती महल को बेचना चाह रहे हैं और इसी को लेकर वो दबाव बनाना चाह रहे हैं उनके ऊपर और उनकी माँ के ऊपर, जबकि जो भी मामला है न्यायालय में विचाराधीन है, तो न्यायालय के समक्ष वे अपना पक्ष पुरजोर तरीके से साक्ष्यों के साथ रखने को तैयार हैं। इस मामले को एक दिन पहले जो मामला सामने आया था, जिसमें मुख्य रूप से इन्होंने 5 लाख रुपए की मांग अपने बेटे से की थी कि अपने बेटे से 5 लाख रुपए भरण पोषण के दिलाया जाए,
दूसरी तरफ अनिरुद्ध सिंह ने ये कहा था कि हम लोग वे जो उनके पिता बदनाम करने पर अड़े हुए हैं, हमें घर देखना है, काम धंधा करना है, परिवार देखना है और सोशल लाइफ भी देखनी है। उनके पिता को क्या करना है, उनके कुछ नहीं करना है, इसलिए उन्हें सिर्फ उनकी माँ और उन बेटे को परेशान करना मात्र हैं। उन्होंने बताया कि ये जो पिता उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं, निराधार हैं और इसका विपक्ष अपने न्यायालय में सही जगह रखेंगे। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाने से या लोगों के सेंटिमेंट से खोलने से कुछ नहीं होता, उनकी विरासत बेचना कहाँ तक उचित है। सूरजमल जी से लेकर कितनी प्रॉपर्टी थी, आज कितनी प्रॉपर्टी हैं आप पता लगा लीजिए। दिल्ली, आगरा, मथुरा व पुष्कर तक प्रॉपर्टी थी जो सब कुछ बिक चुकी हैं। साल 1995 के बाद लगातार प्रॉपर्टी बेची जा रही है। आरोप लगा रहे हैं कि लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो उनका सोशल मीडिया अकाउंट करके चेक कर लीजिए कि किस तरह से रोज़ाना वो कितने लोगों से मिल रहे हैं। अनिरुद्ध ने कहा कि हम उनसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, ये मैटर हमें परेशान करने का है। उन्होंने प्रार्थना पत्र में इजलास खास कोटी का जिक्र किया है। इजलास खास कोटी का पट्टा माँ के नाम पर है, ये क्लियर है। कांग्रेस सरकार में यह पट्टा आया है, इस पर कोई स्टे नहीं है कोर्ट का। अगर हमारी आर्थिक सफलता से इनको दिक्कत है तो हम क्या करें। हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वह गलत हैं। हम पर ऊपर वाले का हाथ है। SDM को पिता का प्रार्थना पत्र कोई नया मैटर नहीं है, यह 3 महीने पुरानी बात है। अब जब उन्होंने देख लिया कि SDM निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं तो उन्होंने SDM पर दबाव बनाने के लिए ये मामला मीडिया में लीक कर दिया। उनका कहना है कि इसके साथ ही खासतौर से उनकी पत्नी पूर्व सांसद दिव्या सिंह का भी कहना है कि वे 3 साल से बिल्कुल चुप हैं। बीते 33 साल में मेरे साथ क्या हुआ, अगर इस पर मैं मुंह खोल दूं तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाएगा। 15-20 लोगों से ये कुछ भी बकवास छपवा लेते हैं। मेरा बेटा अगर माँ की सुरक्षा कर रहा है तो यह सबसे अच्छा बेटा है। मेरे साथ बुरा हो रहा है तो बेटा साथ में खड़ा है, मेरी रक्षा कर रहा है। मैं इनका बिगड़ा हुआ घर संभाल रही हूँ और संभाला है। आज ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अपने लोगों से छपवा रहे हैं, ट्विटर पर लिखवा रहे हैं, 4 लोगों से फेसबुक पर हमारे खिलाफ पैराग्राफ लिखवाना, ये सब कुछ कर रहे हैं। 30 साल से मेरे साथ कई अत्याचार हुए हैं लेकिन मैंने मुंह नहीं खोला। जिससे पेपर में निकालना है निकाल दें, ये लड़ाई पुश्तैनी जायदाद बचाने की है। अनिरुद्ध सिंह और उनकी पत्नी दिव्या सिंह का यह कहना है कि विश्वेंद्र सिंह उनकी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं और वो प्रॉपर्टी बचाना चाहते हैं और यही मुख्य विवाद है। और इसी विवाद को विश्वेंद्र सिंह और उनके कुछ कतिपय समर्थक हैं जो अनर्गल झूठे आरोप उन पर लगा रहे हैं, जो बेबुनियाद हैं। इस तरह की कोई हिंसा उनके पति विश्वेंद्र सिंह के साथ नहीं हो रही है। पूर्व सांसद दिव्या सिंह ने कहा कि सारा मसला तब शुरू हुआ जब ये मोती महल बेचने वाले थे। सब कुछ बेच ही चुके हैं, केवल मोती महल बचा है। मैं मरते दम तक इसके बचाने के प्रयास करती रहूंगी, ये दिव्या सिंह का कहना है। उन्होंने कहा कि कारपेट तक घर का उन्होंने बेच दिया है। मैंने भरतपुर में 33 साल निकाले हैं, इनके साथ रही, सपोर्ट किया। आज मोती महल बेचने की बात है तो मैं कह दूं कि मैं पहली बार मीडिया के सामने आई हूं। मैं मरते दम तक इसे बेचने नहीं दूंगी। विश्वेंद्र सिंह 3 साल 2 महीने से मोती महल में नहीं रहे हैं। इससे पहले ये कैबिनेट मंत्री थे। मंत्री के साथ अगर मारपीट की गई होती तो उन्होंने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की। मंत्री के साथ कौन मारपीट करेगा, वे घर में रहे नहीं और फालतू के इल्ज़ाम उन पर लगा रहे हैं। ये मुख्य रूप से उनकी पत्नी का आरोप है। तो आपने देखा कि इस तरह से भरतपुर के पूर्व राज परिवार का सदस्य हैं जो कि वर्तमान में पूर्व राज परिवार में महाराजा की पदवी पर हैं, विश्वेंद्र सिंह जो कि राजनीति में भी एक कद्दावर नेता हैं।
उनकी पत्नी दिव्या सिंह भी सांसद रह चुकी हैं और ख़ास तौर से विश्वेंद्र सिंह 3 बार सांसद और 3 ही बार विधायक रहे हैं और हाल ही में पिछले जो कार्यकाल उनका गया है कांग्रेस में कैबिनेट मंत्री वो रहे हैं और इसके बावजूद उनके जो ये पारिवारिक विवाद हैं इसको लेकर अब सोशल मीडिया पर मीडिया में कई आरोप प्रत्यारोप उनकी पत्नी बेटे और विश्वेंद्र सिंह के बीच में चल रहे हैं। आखिर इसके पीछे की क्या कुछ कहानी है, क्या ये जो सामने आ रहा है मीडिया के समक्ष जो आरोप प्रत्यारोप दोनों ही पक्षों द्वारा लगाए जा रहे हैं ये कहाँ तक उचित हैं कहाँ तक सही हैं ये तो वे खुद जाने। फिलहाल भरतपुर के पूर्व राज परिवार के विश्वेंद्र सिंह और उनकी पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध सिंह के बीच में जो चल रहा है वही आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी दिव्या सिंह और उनके बेटे अनिरुद्ध सिंह ने, आखिर वो क्या कुछ बोले इस पूरे मामले को लेकर, सुनिए आप उन्हीं की जुबानी। नहीं सर, अगर मैं मुंह खोल दूं कि मेरे साथ क्या हुआ है 30 सालों में तो शायद ऐसा ना हो कि कुछ सुप्रीम कोर्ट तक ही केस पहुंच जाए। आई एम बीइंग वेरी क्लियर अबाउट इट। मैंने तो एक शब्द नहीं बोला और वहीं से सारे इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम। हमने तो अभी तक मुंह खोला नहीं अपना। आज मैं बैठी हूँ पहली बार अनिरुद्ध के साथ में और एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ कि आप क्षेत्र के 15-20 अपने लोगों से कह दीजिए कि हम इनके बारे में बकवास निकालें, उससे हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता है। क्योंकि अगर कोई भी बेटा, यहाँ पर मैं सब आपको मेल मेंबर्स ही देख रही हूँ अनफॉर्चुनेटली, तो अगर कोई बेटा अपनी माँ की रक्षा कर रहा है सुरक्षा कर रहा है तो वो बेटा बहुत ही अच्छा बेटा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब उसी प्रकार के बेटे होंगे। अगर अपने मेरे ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है, मेरा बेटा मेरे साथ खड़ा है, मेरे साथ अगर अन्याय हो रहा है और वो आप अपने क्षेत्र के 10 लोगों से निकलवा दीजिए कि साहब ये अनिरुद्ध सिंह गलत कर रहे हैं, तो मैं तो सड़कों पर करने को तैयार हूँ कहने के लिए कि मेरा बेटा मेरी रक्षा करता है। जिस जो माँ यहाँ पर 32-33 साल से यहाँ है भरतपुर में और सब कुछ किया है, बिगड़ा हुआ घर संभाला है और आज मेरे ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं और अभी भी मैंने आप इतने 10 लोगों के सामने अपना मुंह नहीं खोला। मैं सिर्फ अपने बेटे के सपोर्ट में यहाँ खड़ी हूँ। ये ट्विटर पर निकलवा देना, 4 लोगों से वो क्या बोलते हैं पैराग्राफ्स निकलवा देना फेसबुक पे, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। निकाल दिया, हमें क्या फर्क पड़ रहा। हम तो ये कहते हैं कि हर औरत को ऐसा बेटा मिले जो अपनी माँ के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाए। कुछ ना कुछ तो अत्याचार हुआ होगा। मेरे मेरे बेटे जो इतना पढ़ा लिखा है वो क्यों, व्हाई वुड ही से एनीथिंग रॉन्ग? आफ्टर ऑल ही हैज सीन इनजस्टिस बीइंग डन टू मी इन एवरी विच वे। और जो अगर जिनको निकालना है निकाल दे रहे, ये भी निकालते थे जमाने में, निकालते रहेंगे। मुझे कुछ नहीं, मैं तो ये है कि हमको अपनी पुश्तैनी जायदाद की रक्षा करनी है। पूरा मसला ही शुरू हुआ था जब मोती महल बिक रहा था, मसला ही तब शुरू हुआ था। ये तो कोई मसला ही नहीं था, जब मोती महल को बचाया गया उससे मसला शुरू हो गया। सभी कुछ बेच दिया, एक मोती महल बचाया, आप तो सब जानते हैं एवरीथिंग। सब तो सब चीज बेच चुके हैं, सब चीज बेच चुके हैं। मैं कारपेट कह रही हूँ, हर चीज बेच चुके हैं, मात्र मोती महल रहा और मोती महल को ही बचाने के वजह से ये मसला उठा। और आज भी मोती महल में मैं मरते दम तक मोती महल और उसका कंपाउंड बचाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। मैंने आफ्टर ऑल मैं अगर यहाँ पर एक पर्टिकुलर बिरादरी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे आके बात करें। मैंने भी यहाँ पर 33 साल निकाले हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत रक्षा करी, सुरक्षा करी, घर चलाया है और बहुत कुछ सपोर्ट किया, साथ में रही। और आज अचानक क्योंकि आपकी मोती महल बेचने की बात पकड़ ली गई तो आज इतना बवाल हो गया और लोगों से कह दिया कि सर मेरे बेटे के खिलाफ निकालो। आज मैं पहली बार निकल के आई हूँ आप मीडिया के सामने, कोई रिकॉर्ड नहीं है मेरा मीडिया के सामने। नहीं महाराज, सूरजमल जी की मूर्ति लगाने से और पब्लिक सेंटिमेंट के साथ खेलने से और पीछे से सारी उनकी उनकी छोड़ी हुई विरासत को बेचना, ये कहाँ की डायकोटमी है, जरा उनसे कुछ पूछ। टू टेक अ जजमेंट फेयरली एंड विद एलैक्टिटी, हाउएवर एसडीएम साहब के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए ये मैटर को आज उसमें निकाला गया है, टू माउंट प्रेशर ऑन द एसडीएम। मैं क्लियर कर दूं कि ये मैटर नया नहीं है और सिर्फ न्यूज में आज आया है बिकॉज इनको एसडीएम के ऊपर प्रेशर बनवाना है, दैट इज अनदर मैटर। तीसरी चीज इसमें यह है कि ये 3 साल से तो मोती महल परिसर में रहते नहीं है,
और उसके पहले ये तीन साल दो महीने और ये उसके पहले ये कैबिनेट मंत्री थे, तो मारपीट कैबिनेट मंत्री के साथ कौन कौन कर सकता है? और अगर कुछ इंसिडेंट था तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट उस टाइम नहीं फाइल करी, आपको तो पता है, और उसके बाद भी अब जब ये घर में नहीं रह रहे हैं तो ये इल्जाम फिर ये फालतू के हुए कि नहीं हुए, और लोगों को मिलने नहीं देते, कौन मना कर रहा है? आप उनका सोशल मीडिया खोल के देखिए, रोज मिल रहे हैं लोगों से, कौन मना कर रहा है लोगों से मिलने के लिए? तो इस तरीके की झूठ अफवाह और फालतू के मैटर्स को ऊपर से फिर एसडीएम के ऊपर प्रेशर करने के लिए इट इज हाईली अनप्रोफेशनल। तीसरी चीज लगा रखी है, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरी उम्र इतनी। अरे वो सीनियर सिटीजन है तो जिनके खिलाफ आपने दावा ठोका है वो भी तो 61 इयर्स की हैं, वो भी तो सीनियर सिटीजन है, तो आप क्या चाहते हैं? और लास्टली मैटर सब जुडिस है, मैं कोई भी मैटर को मीडिया के सामने मैं नहीं लेके आऊंगा, लेकिन इन्होंने पिछले 30 साल में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के साथ क्या क्या छेड़खानी करी है, महाराज सूरजमल जी के जमाने की प्रॉपर्टीज को कैसे बेचा है, कैसे हम लोगों के फ्रॉडुलेंट सिग्नेचर्स उन डॉक्यूमेंट्स पे करे हैं। आगरा का हरी पर्वत केस बहुत फेमस है, मैं इन चीज़ों को और कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये सारे जो दस्तावेज हैं हम लोग एसडीएम साहब के सामने प्रस्तुत करेंगे और कुछ हम लोग कर भी चुके हैं। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे फाइनेंशियल सक्सेस से अगर इनको प्रॉब्लम है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर ऊपर वाले का हाथ हमारे ऊपर है और हमारी फाइनेंशियल हमारा प्रोग्रेशन है तो इसके हम इनसे तो नहीं मांग रहे हैं, इनकी दी हुई चीज पे तो नहीं कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ मैटर जो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को हरास करने के लिए किया गया है। फोर्थ पॉइंट है, बार बार कोठी इजलास खास का हो जाता है, जिक्र हो जाता है। कोठी इजलास खास का पट्टा मेरी माता जी के नाम पर है, क्लियर कर चुके हैं, कांग्रेस सरकार में ही वो पट्टा आया, वो इनके नाम पे है, वो प्रॉपर्टी इनकी है, उस पर कोई स्टे नहीं है, और उसका जो प्रोग्रेस हो रहा है उसके उस पे काम का वो नॉन स्टॉप होता रहेगा। ये लोगों को बहकाने की वो कर रहे हैं कोशिश, और मैं चाहता हूँ कि लोकल मीडिया के जरिए ये बात अखबार में आए कि प्रॉपर्टी महारानी साहब की है, प्रॉपर्टी पे पट्टा है, प्रॉपर्टी कंप्लीटली लीगल है और उस पे कोई स्टे नहीं है, ये लोग इसको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने देखा एक दिन पहले विश्वेंद्र सिंह ने उनकी पत्नी दिव्या सिंह और अपने बेटे अनिरुद्ध सिंह पर मारपीट करने का आरोप लगाया, घर से बेदखल करने का आरोप लगाए हैं, और खास तौर से अब उनके खाना तक नहीं देने की आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि अब वो अपने मोती महल को छोड़कर बाहर होटल या अन्य जगह रहने को मजबूर हैं। इसलिए उनकी पत्नी दिव्या सिंह और उनके बेटे अनिरुद्ध सिंह से उन्हें प्रतिमाह 5 लाख रुपए भरण पोषण के दिलाए जाए, और इसकी मांग को लेकर उन्होंने उपखंड कार्यालय उपखंड अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इस जैसे ही ये मामला मीडिया के समक्ष आया, मीडिया में उजागर हुआ, उसके दूसरे दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सारे आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने बताया कि भरतपुर में जो पूर्व राज परिवार की जो संपत्ति है उसे वह बेचना चाह रहे हैं, मोती महल को बेचना चाह रहे हैं, और इसी को लेकर पिता पुत्र और माँ के बीच में यह विवाद है। माँ और बेटे एक साथ हैं और पिता उस संपत्ति को बेचने पर अड़े हुए हैं। इस तरह कहीं न कहीं प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर पिता और पुत्र में विवाद चल रहा है, पिता अपनी पत्नी के भी विरुद्ध हो गए हैं। आने वाले समय में इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट आता है वह भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।